Hey, what's up guys? मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव अशोक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यूबॉन के एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू नेकबैंड की, जिसका नाम है यूबॉन CL50। गाइज, अगर आप मेरे एक और नेकबैंड की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो मैंने एक और नेकबैंड की अनबॉक्सिंग कर रखी है जो कि यूबॉन का ही था एंड उसका नाम था यूबॉन BT5100। गाइज, अगर आपको 500 रुपीज़ के अंदर या फिर 600 रुपीज़ के अंदर आपको कोई अच्छा सा नेकबैंड परचेस करना है तो आप उस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं एंड वो काफ़ी अच्छा नेकबैंड था एंड वो मेरे पास आज भी है, मैं उसको आज भी यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा वो वर्क करता है एंड काफ़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस भी है, बैटरी बैकअप भी उसका काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको वाली वीडियो चेकआउट करनी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है मैंने, आप उससे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं एंड ऊपर आई कार्ड में भी आपको उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यूबॉन CL50 की, जो कि एक वायरलेस नेकबैंड है। तो आप इसका बॉक्स कुछ देख सकते हैं, मेरे हाथ में इसका बॉक्स है। यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर टॉप एंड साइड पे देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें दे रखा है प्राउडली मेड इन इंडिया और इधर की साइड हमें बैजिंग देखने मिल जाएगी यूबॉन की, बॉर्न टू बी फ्री, क्विक चार्ज विद 30 आवर्स म्यूजिक। यहाँ पे आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात इसकी यही है, बॉक्स के ऊपर तो यही मेंशन है, 30 आवर्स इसकी बैटरी लाइफ है। एंड इसका सपोर्ट देखें तो यहाँ पे सपोर्ट ड्यूअल पेयरिंग की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने मिल जाएगी। ड्यूअल पेयरिंग यानी कि एक टाइम पे आप दो ब्लूटूथ डिवाइसेस आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे कुछ वायरलेस नेकबैंड की दे रखी है एंड यहाँ पे टाइगर श्रॉफ जी का फोटो है। और अगर इसके साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इसके फंक्शन देखने मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है वॉल्यूम कंट्रोल, आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है, लाइट वेट है, नॉइस आइसोलेटिंग है, वायरलेस है, 30 आवर का आपको यहाँ पे प्लेबैक टाइम देखने मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको इनबिल्ट माइक भी देखने को मिलेगा। और अगर बॉक्स के पीछे की बात करें तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से नेकबैंड अंदर रखा हुआ है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे 30 आवर प्लेबैक क्विक चार्ज का यहाँ पे आपको बैजिंग देखने मिल जाएगी बड़ी बड़ी। यहाँ पे थैंक यू फॉर बाइंग अ यूबॉन प्रोडक्ट, यूबॉन की तरफ से एक यहाँ पे ग्रीटिंग दे रखा है आपको, जो कि आपने मतलब इसलिए दे रखा है कि आपने उनका प्रोडक्ट परचेस किया है। और अगर कि कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है वायरलेस वर्जन 5.0, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने मिलेगा। यहाँ पे आप कनेक्शन डिस्टेंस की बात करें तो 10 मीटर का आपको यहाँ पे कनेक्शन डिस्टेंस देखने मिल जाएगा विदाउट ऑब्स्टैकल्स, बीच में कुछ भी होना नहीं चाहिए। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 330 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने मिलेगी। इंपेडेंस की बात करें तो 32 डेसिबल शायद ये इसका काउंटिंग फिगर होती है। प्लेबैक टाइम की बात करें 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने मिलेगा। चार्जिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिक जो इसमें चीज़ बता रखी है वो इसकी चार्जिंग टाइम ही है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे इसका 30 मिनट्स का आपको चार्जिंग टाइम देखने मिलेगा, मतलब आधे घंटे के अंदर ये नेकबैंड पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। और इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पे 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दे रखा है। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें और कुछ और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग दे रखी है 1 यूनिट इंडिया 2999। गाइज, ये वाली इसकी प्राइसिंग नहीं है, प्राइसिंग मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर चल के बताऊंगा। तो इस वीडियो के पहले अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी, फिर उसके बाद मैं आपको इसका लास्ट में प्राइस बताऊंगा, क्योंकि ऐसा अगर मैंने पहले प्राइस बता दिया तो आप फिर प्रोडक्ट को जज करने लग जाओगे कि ये ख़राब है कि अच्छा है कैसा है। तो पहले हम प्रोडक्ट को देखते हैं फिर उसके बाद हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अब फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग में यहाँ पर हमें जैसे एक छोटी सी सील दे रखी है, तो सबसे पहले हम सील को हटा देते हैं। सील को हटाने के बाद अब यहाँ पर नीचे की साइड से इसको ओपन करते हैं। तो अब हम अपना नेकबैंड को बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइज, ये है इसका बॉक्स जो कि अब बिल्कुल खाली हो चुका है, तो इसको रख देते हैं साइड में। एंड ये हमारे पास कुछ इस तरीके का नेकबैंड देखने को मिल जाता है। तो नेकबैंड की जैसे कि आप फिनिशिंग देख सकते हैं, मुझे वैसी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड बीच में आपको चार्जिंग केबल देखने मिलेगी जो कि डेटा केबल होती है, तो आप यहाँ से इस वाले केबल के थ्रू इस वाले नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। और अगर इसके पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने मिलेगा, ना ही इसके साथ आपको ईयरबड्स देखने मिलेंगे। ईयरबड्स भी इस वाले नेकबैंड के साथ नहीं आते हैं, तो इसको रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पे इसके नीचे की साइड आपको एक छोटा सा पाउच देखने मिल जाएगा। अगर आप अपने नेकबैंड को विदाउट बॉक्स कैरी करते हैं तो आप इस पाउच के अंदर अपने नेकबैंड को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूबॉन बॉर्न टू बी फ्री, तो काफ़ी अच्छा पाउच है, मतलब सही है पाउच, डिसेंट क्वालिटी का है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ना ज़्यादा बुरा, बीच का क्वालिटी का पाउच है, ये काफ़ी अच्छा पाउच है। तो कुछ इस तरीके से आपको पाउच देखने मिल जाएगा, पाउच को रखते हैं साइड में। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि आपको यहाँ पे डेटा केबल कैसी मिलती है देखने के लिए। तो सबसे पहले डेटा केबल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। कुछ एक छोटी सी वायर से इसको यहाँ पे नॉट लगा रखी इसकी, तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो जो डेटा केबल है उसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है आपको,
करीब करीब 0.7 मीटर की इसकी लेंथ होगी, 0. यानी कि 1 मीटर से तो कम है। एंड यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको ये डेटा केबल देखने मिलते हैं, खाली चार्जिंग केबल नहीं है, माइक्रो यूएसबी टू टाइप ए, यहाँ पे आपको ये वाली डेटा केबल देखने मिल जाती है। एंड अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो यार देखो क्वालिटी है आपकी किसी भी 100 रुपीज़ की केबल वाली, तो आप इसे एज्यूम कर सकते हैं कि आपकी 100 रुपीज़ की जो डेटा केबल आती है वो किस तरीके की आती है, तो क्वालिटी आपको इस तरीके देखने मिल जाएगी। एंड वायर की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यार देखो ज़्यादातर नेकबैंड के साथ था छोटी छोटी सी वायर आती है, इतनी वायर होगी या थोड़ी और बड़ी कर देंगे बस इतनी होगी। एंड इसकी तो फिर भी काफ़ी लंबी है, मतलब करीब करीब 1 मीटर मान लो आप गाइस, पूरी 1 मीटर की लेंथ आपको इसमें देखने मिल जाती है, 0.7 नहीं है, 1 मीटर की लेंथ आपको इसमें देखने मिल जाती है। तो अब इसको रखते हैं साइड में। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेकबैंड के बारे में, तो नेकबैंड को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसके जो फ्रेम है उसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का नेकबैंड देखने मिलता है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश के साथ ये नेकबैंड हमें देखने को मिलता है एंड दिखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो अगर इसके ये आप इस तरीके से आप इसको अपने नेक में डालोगे तो यहाँ पे आपको यूबॉन की बैचिंग देखने मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक बटन दे रखा है, बटन ये गाइस ये ऐसी है टेम्प्ररी, आपको लग रहा है ऐसा है कि बटन जैसा है बट ये बटन नहीं है, खाली ने शो के लिए दे रखा है। एंड यहाँ पे इस वाली साइड पे कुछ भी नहीं है, और बाकी यहाँ पे बस खाली आपको यूबॉन की बैचिंग देखने मिलेगी। और दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड में आपको यहाँ पे सारे बटन दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको प्लस, आपका कॉल पिकअप बटन एंड आपका माइनस बटन, यहाँ पे आपको तीनों बटन देखने मिल जाएंगे। हालांकि जो मिडल बटन है वो आपका कॉलिंग फंक्शन का भी काम करता है एंड ऑन ऑफ का भी काम करता है, ऑन ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर की साइड यहाँ पे इन्होंने दे रखा है वो आपका एज अ डिज़ाइन के लिए है, वो कोई भी ऐसा फिजिकल बटन नहीं है, वो एज अ डिज़ाइन के लिए यहाँ पे इन्होंने दोनों साइड की तरफ दे रखा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इन्होंने दोनों साइड की तरफ ऐसा इन्होंने फिजिकल नहीं है वैसी टेम्प्रेरी यहाँ पे इन्होंने बटन दे रखा है। यहाँ पे हमें देख रहे हो क्या मिलता है, बॉर्न टू बी फ्री, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दे रखा है, मॉडल नंबर CL50, अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो कैमरे के अंदर तो यहाँ पे इसकी बैचिंग दे रखी है। और इसे क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। और अगर इसके इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट भी दे रखा है माइक्रो यूएसबी का, जिससे कि आप अपने नेक बैंड को सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरा चार्ज कर सकते हैं, तो इसकी खासियत है। और इसकी जो एक और खास चीज़ लगी वो मेरे को क्या लगी कि इसकी जो वायरिंग है ना वो ऐसे अलग नहीं रहती, ये आपके नेकबैंड के अंदर ही फोल्ड हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसके दो होल्डर्स हैं, अगर आप होल्डर को कुछ इस तरीके से स्लाइड करोगे तो आपके जो वायर है ना ये बाहर निकल जाएगी इसी में से, एंड अगर आप इसको कुछ इस तरीके से बंद कर दोगे तो ये वायर आपकी इसी के अंदर वापस से इंसर्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये वाला फंक्शन काम करता है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और अगर इसके मेन चीज़ की बात करें जो कि हम अपने ईयर्स के अंदर लगाएंगे, हैं इसके ये बर्ड्स किस तरीके के हैं, तो बर्ड्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं एंड इजी टू फिट भी रहते हैं, कि इजीली ये फिट भी जाते हैं आपकी ईयर्स के अंदर, काफ़ी अच्छा कंफर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर इसके ईयर टिप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रे और रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, मैं एक बार इसको हटा के भी दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको ये ईयरबड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ईयर टिप्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलर के अंदर है गाइस, अब ये अंदर फिट नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट था। तो कई बार होता है ना कि कुछ हैंड्स फ्री ऐसे होते हैं वो कान में लगे हुए हैं, एंड कान में लगने के साथ साथ जैसी जब आप उनको हटाते हैं तो इतना मतलब अच्छी तरीके से उसकी जो ईयर टिप्स होती है फिट नहीं होती, वो आपके कान में लगी रह जाती है एंड ये खाली आपके हाथ में रहता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऊपर की तरफ बैजिंग दिखने नहीं मिलती, कुछ भी यूबॉन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एंड इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी जो है ना इसकी वो काफ़ी अच्छी है, बेस काफ़ी अच्छा है, जो लोग बेस ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए ये नेकबैंड ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी और जो म्यूज़िक की क्वालिटी लगी एंड जो मुझे प्लेबैक टाइम लगा इसका, मतलब मैंने इसको यूज़ करके देखा तो आपका आराम से 20 घंटे तो चल जाता है, बाकी उसके ऊपर मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने इसको एज़ इट इज़ रख दिया था क्योंकि ये मेरे पास एक दूसरी यूनिट पड़ी थी, मैंने अपने लिए एक और यूनिट मंगाई थी तो मैंने उसको थोड़ा सा यूज़ करके देखा था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि एक हैंड्स फ्री का जो बेस होता है ना वो आपके एक नेकबैंड के अंदर प्रोवाइड हो रहा है एंड काफ़ी अच्छे रेट के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आपका नेकबैंड आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब क्वालिटी की भी काफ़ी अच्छी है इसके म्यूज़िक की। तो ये था एक फुल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग आपके यूबॉन के CL50 नेकबैंड की। तो गाइज़ अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो गाइज़ अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, ये आपको सिर्फ और सिर्फ
1000 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है, यानी कि इसका प्राइस है 990 रुपीज़। जो अभी मतलब जिस प्राइस पे मैंने इसको परचेज़ किया था, तब उस टाइम अमेज़ॉन पे इसका प्राइस चला था 990 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ के हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी और इसका चार्जिंग टाइम, जो जो इसके अंदर फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इनफ है, मोर देन इनफ है, इनफ भी नहीं है, मोर देन इनफ है। तो उस हिसाब से यार देखो, 1000 रुपीज़ के हिसाब से तो मुझे ये नेकबैंड काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इसको परचेज़ किया एंड इसको यूज़ भी किया पूरे 2 दिन तक। तो इसका जो क्वालिटी थी म्यूज़िक की एंड जो उसका जो फीडबैक था ना, मतलब इसको यूज़ करने का जो फील था वो काफ़ी प्रीमियम था। एंड जो यहाँ पे क्वालिटी भी यूज़ करी गई है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। ग्लॉस फिनिश यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है एंड ईजी टू यूज़ भी रहता है ये। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नेकबैंड देखने को मिल जाता है। यह है यूबॉन का CL50। तो गाइज़, अगर आपको ये वाली अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको एक अच्छे नेकबैंड की तलाश है। उनके लिए नेकबैंड काफ़ी अच्छा रहेगा अगर उनका बजट 1000 रुपये के अंदर है तो काफ़ी अच्छा नेकबैंड है। बाकी अगर आप थोड़ा और डील्स वगैरह में ट्राई करोगे तो आपको ये 800 रुपये का या 900 रुपये का मिल जाएगा। कुछ पैसे आपके और कम हो जाएंगे डील्स वगैरह के अंदर। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। वापस मिलते हैं अपने चैनल के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखें।